principal, suppose there are two reading A equal to 12 plus minus 0.5 and B equal to 7 plus minus 0.7. So what is the value of A plus B and A minus B? क्या होगा? A plus B. What will be value of A plus B? Yes, Kajal. A plus B का value क्या होगा? क्या है? मेन पार्ट को ऐड करेंगे यानी 12 प्लस 7 प्लस माइनस 0.5 प्लस 0.7 यानी 19 प्लस माइनस 1.2 ये आएगा आंसर। ओके देन साक्षी, what will be value of A minus B? A minus B का value क्या हो? भाई क्या होगा आंसर A minus B का? महक, मौली, मेन पार्ट को माइनस करेंगे यानी 12 माइनस 7 और एरर वाला पार्ट क्या होगा? ऐड होगा यानी 0.5 प्लस माइनस 0.7 यानी 5 प्लस माइनस 1.2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों साक्षी, मौली, काजल? यानी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हो जाएगा ना? Yes, sir. चलो अब देखते हैं हम लोग एरर इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड पावर। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, सपोज z इक्वल टू a इंटू बी ऐसा गिवन है, देन हियर वी विल फाइंड रिलेटिव एरर। ओके तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एरर? डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b होगा कि नहीं होगा? बताया था मैं पहले फॉर्मूला। ओके इफ इन डिवीजन इफ जेड इक्वल टू ए अपॉन बी व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर डेल्टा जेड अपॉन जेड क्या होगा? What is the value of relative error? ये हो जाएगा delta A upon A plus delta B upon B। ये सबको remind करो, formula note करते जाओ। अभी मैं question दूंगा, ये याद है? पहले भी इसको मैं explain कर चुका हूँ, याद है कि नहीं? ओके नेक्स्ट एरर इन पावर। पावर यानी इफ जेड इक्वल टू ए टू द पावर एन, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एरर? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट 10 डेज बैक। एन डेल्टा ए अपॉन ए या
डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। ओके, तो नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव एरर जेड इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन सी। ओनली यू हैव टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव एरर। व्हाट विल बी एक्सप्रेशन? डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए इंटू बी? ए इंटू बी, यस, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए अपॉन सी? दैट इज आल्सो विथ प्लस साइन डेल्टा सी अपॉन सी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव एरर ऑफ दिस इक्वेशन। इज इट क्लियर फॉर ऑल? Okay, then if the equation is z equal to a into b upon c into d, what will be expression for relative error delta z upon z? What is the expression for relative error? Batao jaldi. डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। ओके, नाउ इन द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ए टू द पावर स्मॉल ए और चलो एक्स, b to the power y, c to the power z. Now question is write the expression for relative error. What will be? Can anyone guess or anyone use their mind? What will be formula for relative error in this equation? N into delta a upon a. Yes, okay, good. डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एक्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस वाई डेल्टा बी अपॉन बी प्लस जेड डेल्टा सी अपॉन सी। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एनी डाउट? Next, write the expression for relative error a to the power x, b to the power y, c to the power z, and d to the power w. What will be expression? For the relative error. Yes, Mauli, Ankita, what will be expression for relative error? X delta A upon A plus B plus Y B delta B upon B plus Z delta C upon C plus W delta D upon B. Yes, okay, X delta A upon A, this is the expression for relative error delta Z upon Z. X into delta A upon A plus Y into delta B upon B plus Z into delta C upon C plus W into delta D upon D. This is the expression for relative error. Okay? ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। The expression given as
जेड इक्वल टू ए स्क्वायर रूट बी अपॉन सी क्यू एंड गिवन एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इक्वल टू 1% एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी इक्वल टू 2% एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ सी इक्वल टू 3%। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ जेड। ओके, क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन गिवन एज जेड इक्वल टू ए स्क्वायर रूट बी अपॉन सी क्यू। इन दिस एक्सप्रेशन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी एंड सी आर 1%, 2% एंड 3%। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरर, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। देखो हाउ यू कैन सॉल्व दिस, हियर व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, दैट इज 1%, जिसमें द वैल्यू ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू 1/100। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी इज 2%, यानी वैल्यू ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू 2/100। सिमिलरली एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सी, दैट इज सी 3%, यानी डेल्टा सी अपॉन सी इक्वल टू 3/100। फर्स्ट मेक द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव एरर ऑफ दिस इक्वेशन। स्क्वायर रूट बी कैन बी रिटन एज बी टू द पावर 1/2, यस और नो? ओके, नाउ मेक द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव एरर, दैट इज डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 2 इनटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 3 डेल्टा सी अपॉन सी। इज इट क्लियर? जो अभी तक बना रहे थे, यस सर। Now put the value of delta A, delta B upon B, delta C upon C. 2 into. What is the value of delta A upon A? 1/100. Plus 1/2 into. Value of delta B by B is 2/100. Plus 3 into. Value of delta C by C equal to 3/100. टोटल आंसर विल बी टू, ये कैंसिल हो गया, 2/100 प्लस 1/100 प्लस 9/100, दैट मीन्स द वैल्यू विल बी डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 9 + 1 = 10, 12/100। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर। Then how we will get percentage error? Delta Z upon Z multiplied by 100. That means 12/100 multiplied by 100. Answer is 12%. Is it clear? Yes, sir. Okay. Note down kar lo. In this way we can obtain percentage error of the given equation. Chalo, write one more question. The question is, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी एंड डी
आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस महक, कैन यू सॉल्व? ओके काजल, ओके देन सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर। व्हाट विल बी काजल का, महक एंड अंकिता मौली, वंश, ओके वंश का भी आया है। ओके क्लियर हो रहा है ना? कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। चलो अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन, अभी तो सिंपल 1%, 2%, 3% है। If the question is like this, the potential difference across the end of wire is measured as, in a measurement of V equal to 100 plus minus 5%, in a measurement of potential 100 plus minus 5% and measurement of current is 10 प्लस माइनस 2%, 0.2% ऐसा बोला। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग विद द एरर, यानी 10 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड करेंट इज 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। यानी दो मेजरमेंट है, एक में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू आया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट तुम्हारा है इसका एरर, सेकेंड वाले में करेंट है 10 एम्पियर विद द एरर 0.2। क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट विल बी परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस? तो फर्स्ट वी शुड बी नोन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी आई एंड आर? ओम्स लॉ पढ़े हो ना? व्हाट इज ओम्स लॉ?
अपॉन आई। वी इक्वल टू आई आर, अपने को आर का वैल्यू निकालना है वी अपॉन आई। तो दिस इज द इक्वेशन वी अपॉन आई इक्वल टू आर। देन फर्स्ट राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रिलेटिव एरर ऑफ दिस इक्वेशन। व्हाट विल बी एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव एरर? Delta R upon R is equal to delta V upon V plus. Yes, very good. Delta R upon R equal to delta V upon V plus delta I upon I. Now here the question given as V equal to 100 plus minus 5. That means 5 is the error in measurement and 100 is the complete value. Then you can write it as delta V upon V. Delta V यानी जो मैं expression बताया था A plus minus delta A, ऐसा बताया था ना, Z equal to यानी after plus minus this value is equal to delta A. Similarly after plus minus what will be value of delta V? भाई 100 प्लस माइनस 5 ऐसा लिखते हैं ना, a प्लस माइनस डेल्टा है, यानी ये कंप्लीट वैल्यू हुआ और ये एरर वाला वैल्यू हुआ। तो कंपेयर करोगे तो डेल्टा a इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इससे कंपेयर करो डेल्टा v इक्वल टू क्या होगा पोटेंशियल वाले में? 5 हो जाएगा, 5। एंड कंप्लीट वैल्यू क्या है? 100। तो डेल्टा v अपॉन v का वैल्यू हो गया 5/100। Similarly, what will be value of delta I upon I? क्या होगा? What is the value of delta I? कितना होगा? 0.2 है ना, तो 0.2 and I का value है 10. 0.2 upon 10, यानी we can write as 2/100. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Now put the value in above expression, delta R upon R equal to delta V upon V equal to 5/100 and this is equal to 2/100, यानी 7/100. Then what will be percentage error? R upon delta R multiply by 100, यानी 7/100 multiply by 100 equal to 7%. Okay? समझ में आ गया सबको? Yes sir. तो इस टाइप का सॉल्व कर रहे हैं, अगर अपने को परसेंट के फॉर्म में नहीं दिया है तो ऐसे इसको सॉल्व करोगे, ओके? जैसे एग्जांपल है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वायर गिवन एज, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वायर गिवन एज लेंथ इक्वल टू 5.7 प्लस माइनस 0.1 and breadth equal to 3.4 plus minus 0.2. Okay. Find the error or percentage error in the measurement of area. Area A equal to क्या होगा? Length into breadth. कौन कौन बना लेगा?
यस स्मृति बन जाएगा ए इक्वल टू एल इंटू बी होता है, देन राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव एरर, ओके। फिर डेल्टा एल का वैल्यू 0.1, एल का वैल्यू 5.7, चलो बताओ तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव एरर ऑफ ए। क्या होगा ए इक्वल टू एल इंटू बी है तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव एरर, व्हाट विल बी इक्वेशन फॉर रिलेटिव एरर। डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी अपॉन ए। यस डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। चलो डेल्टा एल अपॉन एल क्या होगा 0.1 अपॉन 5.7। यस डेल्टा एल का वैल्यू 0.1 अपॉन 5.7। डेल्टा बी अपॉन बी व्हाट विल बी 0.2 अपॉन 3.4। ओके चलो अब वैल्यू पुट कर दो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू 0.1 अपॉन 5.7 प्लस 0.2 अपॉन 3.4। हाउ यू कैन राइट दिस 1/57 प्लस 2/34 लिख सकते हो ना। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 1/57 प्लस 2/34 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके क्या हो जाएगा 100/57 प्लस 200/34 ऐसे सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा। ओके क्या होगा आंसर व्हाट विल बी आंसर चलो बताओ जल्दी। कितना आएगा ये आ रहा है तुम्हारा टोटल 0.08 का वैल्यू 0.08 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 8% इसको देखना सॉल्व करके। ओके चलो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे डेल्टा ए अपॉन ए का वैल्यू कितना आया 0.08 तो परसेंटेज एरर तुम्हारा आ गया डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 0.08 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 8%। ये क्लियर हुआ सबको। सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे दैट ऑलवेज बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ओके तो ए का वैल्यू कैसे निकालोगे डायरेक्ट लेंथ इन टू ब्रेड यानी 5.7 मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट वाला नंबर क्या था
3.4, ये एक्चुअल वैल्यू था, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3.4, ये तुम्हारा आ गया 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डेल्टा ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा ए इक्वल टू 0.08 मल्टीप्लाई बाई ए होगा ना यहां से, देन डेल्टा ए इक्वल टू 0.08 मल्टीप्लाई बाई ए का वैल्यू जो 19.4 आया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आ रहा है 1.6। देन जो रिजल्टेंट है क्या होगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए यानी 19.4 प्लस माइनस 1.6, दिस विल बी आंसर। ठीक है, समझ आया। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं फॉर द होमवर्क, इसको सॉल्व करके भेजना। द क्वेश्चन इज फाइंड द एरर इन वॉल्यूम गिवन एज लेंथ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1% 0.1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। राइट द एक्सप्रेशन फॉर परसेंटेज एरर एंड सेकेंड वी प्लस माइनस डेल्टा वी, ऐसे एक्सप्रेस करना है रिजल्ट को। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन इज वाई इक्वल टू एम जी एच अपॉन पाई आर स्क्वेयर। ओके, दिस इज गिवन एज एक्सप्रेशन y इक्वल टू एम जी एच अपॉन पाई आर स्क्वेयर एल। एम है मास, मास का वैल्यू है 20 प्लस माइनस 0.2 केजी। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एच है तुम्हारा 100 प्लस माइनस 0.2 मीटर। आर है 2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और स्मॉल एल का वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ओके, चलो ये भी मीटर कर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वाई, थोड़ा सा देखने में टफ है, सॉल्व करके देखना। देखो जो ये कांस्टेंट है ना इसको हटा दो, कांस्टेंट का कभी भी रिलेटिव एरर वगैरह नहीं होता है, तो बाकी का रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा जी अपॉन जी प्लस डेल्टा एच अपॉन एच प्लस 2 आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, सारे का वैल्यू यहां पुट कर देना। ओके, तो इतना रहने दो आज के लिए, इसको सॉल्व करके भेजना मेरे को।